नमस्कार एवरीवन, यू आर हार्डली वेलकम इन ओपीसर स्टडी पॉइंट। आज का यह वीडियो कक्षा नाइन्थ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम और ईयरली एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है और अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा, आदि चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें। लेट्स बिगिन अवर वीडियो। कक्षा नाइन्थ का यह सिलेबस है, सिलेबस और डिवीजन ऑफ मार्क्स, अंकों का विभाजन, दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाफ ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से और वार्षिक परीक्षा के हिसाब से किस प्रकार से अंकों का विभाजन होने वाला है और सिलेबस किस टाइप का है और पेपर का पैटर्न किस टाइप का है, आदि चीज़ों को हम समझते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस है, इसके अंदर नाइन्थ क्लास के अंदर देखिए, एक तरफ हाफ ईयरली का क्लासिफिकेशन है, एक तरफ ईयरली का क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर रीडिंग सेक्शन 14 नंबर का हाफ ईयरली में रहने वाला है और ईयरली में 20 नंबर का, राइटिंग सेक्शन 14 का है हाफ ईयरली में और ईयरली में 20 नंबर का। इसी प्रकार ग्रामर जो सेक्शन है वो 14 नंबर का हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और ईयरली में 20 नंबर का, 20 नंबर का। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है नाइन्थ क्लास में, जो बी हाइव नाम से टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर से जो आने वाले पैसेज अथवा सवाल जो भी है वो टोटल 21 नंबर्स के हैं हाफ ईयरली के अंदर और 30 नंबर के ईयरली में। इसी प्रकार जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसके अंदर से अर्धवार्षिक में 7 नंबर के सवाल आएंगे और ईयरली में 10 नंबर के। तो इस प्रकार से जो अर्धवार्षिक का पेपर है वो 70 नंबर का होने वाला है और वार्षिक परीक्षा का पेपर 100 नंबर का होने वाला है। तो देखिए, अब ये तो एरिया ऑफ लर्निंग के हिसाब से इसका डिविडेशन हो गया, विभाजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें खुल के देखिए, जैसे रीडिंग सेक्शन में किस टाइप के सवाल होंगे, राइटिंग सेक्शन में किस टाइप के सवाल होंगे, आदि चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए रीडिंग सेक्शन को देखते हैं। रीडिंग सेक्शन के अंदर टू अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन इन अबाउट 300 वर्ड्स फॉर बोथ। यहाँ पर आपके दो अनसीन पैसेज आने वाले हैं, दो अनसीन पैसेज, ऐसे पैसेज जो आपके पाठों में शामिल नहीं हैं, जिनको आपने देखा हुआ नहीं है, ऐसे दो अनसीन पैसेज आने वाले हैं 300 शब्दों के। बिसाइड्स कंप्रीहेंशन क्वेश्चन लेक्सिकल आइटम शुड बी टेस्टेड। इसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम आदि भी सवाल इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो दो पैसेज आने वाले हैं। अर्धवार्षिक की बात करें तो 7-7 नंबर के दो रहेंगे, टोटल 14 नंबर के होंगे। वार्षिक परीक्षा की बात करें तो दोनों पैसेज 20 नंबर के होंगे, यानी कि 10-10 नंबर के दो प्रश्न होने वाले, पैसेज होने वाले हैं। तो इस प्रकार से पैसेज आपके दो पैसेज आएंगे, इसलिए आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, पैसेज का भरपूर अभ्यास करके जाना है। पैसेज 14 नंबर काफ़ी अहमियत रखते हैं अर्धवार्षिक में और 20 नंबर वार्षिक में। राइटिंग सेक्शन पे आते हैं। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। राइटिंग सेक्शन के अंदर देखिए, लेटर राइटिंग अर्धवार्षिक में भी 7 नंबर का है और वार्षिक में भी 7 नंबर का है। अब लेटर के अंदर दो प्रकार के लेटर शामिल है, इनफॉर्मल लेटर और दूसरे हैं फॉर्मल लेटर, दो प्रकार के लेटर शामिल है। अब इनफॉर्मल कौन से होते हैं, जो आप अपने रिश्तेदारों को या अपने मित्रों के साथ जो लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, जिसमें पर्सनल सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स को जो लिखे जाने वाले पत्र है वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं या फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कौन से, लेटर टू द एडिटर, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, या तो एडिटर जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है उसको लिखे जाने वाले पत्र, या विद्यालय के अंदर जो पत्र लिखे जाते हैं एप्लीकेशन के रूप में, उनको फॉर्मल लेटर बोला जाता है। तो लेटर दो प्रकार के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके अलावा ईमेल आएगा आपके, ईमेल फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और ईमेल कैसा आएगा, जिसमें आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को किसी भी टॉपिक पे ईमेल लिखना होगा। ज़्यादातर सवाल जो आता है, अब आपके देखिए इनफॉर्मल और फॉर्मल में से एक लेटर आएगा और अथवा में ईमेल आएगा, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो 7-7 नंबर के ही है। आगे दूसरा जो राइटिंग सेक्शन का सवाल रहेगा वो रहेगा शॉर्ट पैराग्राफ,
वो किस रूप में रहेगा, स्पीच और डिबेट के रूप में। स्पीच का मतलब भाषण, कोई टॉपिक दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि इस पर आपको स्पीच बोलना है, स्पीच को लिखना है किस टाइप से आप बोलेंगे। और अथवा में सवाल आएगा डिबेट, वाद विवाद, जिसमें कोई टॉपिक दिया जाएगा जिसके आपके पक्ष अथवा विपक्ष में बोलने को कहा जाएगा और आउटलाइन आपको दी जाएगी हेल्प के लिए। तो इस प्रकार से 60 से 80 वर्ड्स के अंदर ये लिखना है। ये भी अथवा में होगा स्पीच या डिबेट, जो कि 7 नंबर का हाफ ईयरली में और 7 नंबर का ही ईयरली में रहने वाला है। राइटिंग सेक्शन के अंदर तीसरे नंबर पे आएगा आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क इन फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी। अब या तो देखिए ये भी आएगा, या तो डायलॉग आपको राइट करना है या स्टोरी। स्टोरी का काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है, पिछले सालों में आप स्टोरी लिखते आए हैं, तो कुछ हिंट दिए जाएंगे, आउटलाइन दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको 50 से 70 वर्ड्स के अंदर स्टोरी या डायलॉग लेखन करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह डैश किया हुआ हाफ ईयरली वाले सेक्शन में डैश है, यानी कि हाफ ईयरली के अंदर ये डायलॉग स्टोरी आने वाली नहीं है और वार्षिक में 6 नंबर की आएगी। इसके अलावा तीसरा जो सेक्शन है ग्रामर वाला पोर्शन, इसके अंदर टेंस आने वाले हैं, आपके टेंस संबंधी सवाल आएंगे, जो कि हाफ ईयरली में 5 नंबर के और ईयरली में भी 5 नंबर के होने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, इसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल आने वाले हैं, जो 5 नंबर के रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, ये भी हाफ ईयरली में 5 नंबर और ईयरली में भी 5 नंबर के आने वाले हैं। डेटरमिनर जो कि हाफ ईयरली में 4 नंबर के और ईयरली में 5 नंबर के आने वाले हैं। प्रेपोजिशन हाफ ईयरली में डैश किया हुआ है, मतलब नहीं आएंगे, और ईयरली के अंदर 5 नंबर के आने वाले हैं। तो ग्रामर के अंदर भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक है और इन टॉपिक के ऊपर हमारे ऑफिसर स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर वीडियो भी बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टेंस संबंधी पूरे वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो टॉपिक के ऊपर क्रमशः वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब टेक्स्ट बुक के अंदर से किस प्रकार से सवाल आने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर दो प्रकार के आपकी दो किताबें हैं, एक बीहाइव है और दूसरी मोमेंट्स है। अब देखिए टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर प्रोज जो सेक्शन है, प्रोज यानी गद्य वाला भाग, प्रोज ऑफ बीहाइव, उसके अंदर क्या आने वाला है। देखिए वन पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फॉर कंप्रीहेंशन, एक पैसेज आएगा आपकी पाठ्य पुस्तक में से, जो गद्य पाठ है उनके अंदर से, आपका पढ़े हुए पार्ट में से एक, कोई भी पार्ट में से एक पैसेज उठाया जाएगा और उसके अंदर से आपको लेक्सिकल आइटम आदि पूछे जाएंगे, वो भी 7 नंबर का रहने वाला है अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 10 नंबर का। तो हर पार्ट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी पार्ट में से कोई भी पैसेज आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, लेसन नंबर 1-8, 1 से लेकर 8 तक और फॉर हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक के लिए पार्ट 1 से 8 तक के पार्ट अर्धवार्षिक के अंदर पूछे जाएंगे, एक पार्ट संख्या 1 से 8 तक। टू, अब इसमें से देखिए प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 4 लिमिट 30 वर्ड, 30 शब्दों के शब्द सीमा वाले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर के होंगे अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में 2.5 नंबर के, 5 नंबर के। और यहाँ पर देखिए फॉर ईयरली ऑल लेसन, ईयरली के अंदर सारे पार्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक में 1 से 8 तक के पार्ट पूछे जाने वाले हैं और वार्षिक में सारे पार्ट पूछे जाने वाले हैं। इसके अंदर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं और 1 वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 60 वर्ड्स, 6 लाइनों के अंदर लिखना है। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 5 नंबर का। अब पोइट्री सेक्शन, जो बीहाइव का ही पोइट्री सेक्शन है जिसमें कविताएं दी हुई है, उसके अंदर से किस टाइप के सवाल पूछे जाने वाले हैं। एक है 1 out of 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पोएम, कविता में से कोई भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल आपके सामने रखा जाएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सप्रसंग व्याख्या वाला सवाल, जो कि 3 नंबर का होने वाला है अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 4 नंबर का रहने वाला है। और पोएम कौन कौन सी आएगी अर्धवार्षिक में, देखिए पोएम नंबर 1-7, 1 से लेकर 7 तक की पोएम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करनी है। इसके अलावा वार्षिक के लिए सारी पोएम्स आएगी। अब इसमें सवाल किस टाइप से, तो एक सवाल तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला आएगा,
और बाकी देखिए टू आउट ऑफ थ्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम्स एंड आइडियाज ऑफ द प्रिस्क्राइब पोएम। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे थीम के बारे में, कविता के विषय वस्तु के बारे में, और कविता के अंदर जो विचार है आइडियाज़ है उनके बारे में पूछे जाएंगे, जिसमें हाफ ईयरली के अंदर 4 नंबर का सवाल होगा और ईयरली के अंदर 6 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अब जो सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर जो कि मोमेंट्स के नाम से है, मोमेंट्स के नाम से जो हमारे पास पाठ्यपुस्तक है उसके अंदर से देखिए, मोमेंट्स के अंदर 1 से 7 तक के लेसन अर्धवार्षिक के लिए आएंगे, तो आपको अर्धवार्षिक के लिए 1 से 7 तक के लेसन कंप्लीट करने हैं और हाफ ईयरली में सारे लेसन आएंगे। अब मोमेंट्स के अंदर से सवाल किस टाइप से बनकर सामने आने वाले हैं देखिए, समझते हैं इसको। 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैरेक्टर प्लॉट और सिचुएशन ऑकरिंग इन द लेसन। 2 सवाल होंगे अथवा में जिसमें से एक आपको करना है, ठीक है, जो कैरेक्टर से रिलेटेड चरित्र चित्रण के बारे में हो सकता है, विषय वस्तु से संबंधित हो सकता है, परिस्थिति जन्य सवाल हो सकता है। हाफ ईयरली में 3 नंबर का होगा और ईयरली में 4 नंबर का। इसी प्रकार 2 out of 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 सवाल दिए जाएंगे आपसे और उनमें से 2 आपको करने हैं, जो अर्धवार्षिक में 2 into 2 यानी कि 2 नंबर के 4 नंबर के होंगे और वार्षिक में 6 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से टोटल अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो 70 नंबर का होने वाला है और वार्षिक का पेपर 100 नंबर का होने वाला है। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से अपने को प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, अंकों के इस विभाजन को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आकार देते हैं, अपनी रणनीति को फॉलो करते हैं, तो 100% आप बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आशा करता हूँ आपको ये अंकों का विभाजन और आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।